सॉरी, मैंने अब सबका नाम नहीं पूछा। मकरंद। मैं शांतन। शांतन नाम का मतलब क्या है? मेरे नहीं, मेरे। अरे हाँ भाई, तुम्हारे। अच्छा, हो पता नहीं। ये भी अच्छा है, ऐसे ही बगैर सोचे समझे लिखते रहो, एक दिन अपने नाम का मतलब भी ढूंढ लोगे। यू आर एन इंटरेस्टिंग मैन, यू नो दैट राइट? ऐसे नहीं दिखते से हर जगह, मिलते नहीं है। अभी जाओ जाओ, इंतजार कर रहा है वो। यस यस, स्टेज स्टेज। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अब साइलेंट करो ना उसे। अब पागल है क्या? इंस्टाग्राम देख, 850 हो गया, रात को तो 600 ही था बे। वीडियो व्यूज बता कितने हुए? 5,40,000। शराफत की भी हद होती है साले, एक रात का समझ सकते हैं, मगर ये दो रात लगातार साले, उस रूम का हम भी आधा भाड़ा भरते हैं। ठीक है, मैं तुझे क्या लगता है, विक्रम को ऐसा पर्सनली थैंक यू बोलूँ क्या? मतलब आज के टाइम पे कोई मुंह पे तारीफ नहीं करता, बने तो सही में शेयर कर दिया यार। सिर्फ फेसबुक पे एक मैसेज तो किया था, कॉल करूँ क्या? तुझे क्या लगता है? हमें लगता है कि तुम्हें और जैनाब को कोई और जगह ढूंढनी चाहिए साले। खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमसे हमारे सोने का अधिकार छीनना गलत है। पकाए बकवास कर रहा है ना सारा दिन। पिछले महीने अमय आया था तो मैं भी गया था ना अपने दोस्त के घर पर। और साले वो एक रात की बात थी, और तुम्हारे लक्षण देख के हमें नहीं लग रहा है कि ये सब रुकने वाला है अभी। तेरे मुंह में घी शक्कर भाई, ये सही में अलग है। हाँ, जैसे इसके पहले वाली भी थी और उसके भी पहले वाली। साले हम बता रहे हैं तुमको, ये सब चूतिया बंद करो और कविता पे ध्यान दो। अभी अगले हफ्ते कॉम्पिटिशन है यार, उस पर ध्यान दो। काहे का कॉम्पिटिशन? हाँ, हर महीने होता है ये, पिछली बार तो एंट्रीज भी पूरे नहीं हुए थे। एक बात बता मेरे को, एक भी एस्टैब्लिश्ड पोएट आता है क्या ये कंपटीशन में? नहीं ना, तो मतलब पॉपुलर नहीं बने लेकिन गुरूर आ गया तुम्हें? ये गुरूर वुरूर नहीं है भाई, आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल। ओ भाई साहब, अंग्रेजी बोलने से ना चूतिया इडियट नहीं हो जाता, वो चूतिया ही रहता है। चूतिए, चुप ना। अच्छा, ओपन माइक तो चल रहे हो या वो भी तुम्हारे आदर्श और उसूल के खिलाफ है? नहीं, आऊंगा ना, अपने फैंस से मिलने आऊंगा। ज़ैनब बेटा, एटलीस्ट यू लीव द फोन एंड हैव योर ब्रेकफास्ट प्लीज। मॉम, डिड यू सी द वीडियो आई सेंट यू लास्ट नाइट? या, इट्स नाइस। फारूक जरा मेरे पास करना। What did you like about it? You know, you should eat some cereals. ये chocolate spread खाना बंद करो सुबह सुबह, it's very unhealthy. You didn't watch it, did you? You know how my phone is behaving these days. Dad ने देखा? It was very nice. Keep it up. Zainab, Zainab, Zain, why do you always do this? Me? She's 24. तुम्हें नहीं लगता it's high time she started doing something more productive? इसी बात को एक और तरीके से भी तो बताया जा सकता था। Of course. Actually, ये हमारी गलती है. We never let her be ambitious. And now all she has is a new hobby every 2 years. मैं जब इसकी उम्र की थी, इवन आई वॉज प्रिविलेज्ड, बट आई वर्क्ड माई एस ऑफ टू क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ।
can't take it. Her रोज, I mean, मैं किसी दिन ऑफिस सुकून से जा सकता हूँ क्या? और मैं जा सकती हूँ? Okay, so I'm the bad person here. You know what? You all can go to hell. Hello everyone. My name is Shantan Roy. ये कविता जो मैंने लिखा है उसका नाम है खानाबदोशी. मैं शहर को अरसों देखता जैसे घूरता कोई मुसाफिर है. किसी रोज देख लूँ ढलता सूरज फिर होश रहता कहाँ फिर है. एक्सक्यूज मी मैम, मैं कम इन. मैम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, आई कैन एक्सप्लेन. एक्चुअली आई हैड अ शो, दैट्स व्हाई आई कुडंट. You don't have to. I mean, I understand this art, passion, etc. But at the end of the day, this phone which is continuously ringing in your pocket wouldn't be so if you would have followed your art and not taken our salary. Do you really want to be successful in your life? Yes, ma'am. Of course. I think y'all should just stop watching these movies. They let you dream without knowing the cost of it. I know so many people who have wasted years in it. And eventually, they come back here. But by then, it's too late. You've got to decide. And that too soon. Yes, ma'am. Of course. Sayantan. Yes, ma'am. Yes. Sure, ma'am. Definitely. Yes. बहुत बढ़िया थी कविता. अब तक की सबसे बढ़िया कविता लगी हमें. थैंक्स थैंक्स. वेरी वेल. थैंक यू. शांतन, कैन आई हैव अ मिनट? श्योर. मैं क्या आता हूँ. हाय, आई एम जोसेफ. हाय जोसेफ डिसूजा. हाय हाय जोसेफ. आई लव्ड योर पीस ब्रो. इट वाज अमेजिंग. यू नो व्हाट, आई हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल. व्हाई डोंट यू परफॉर्म फॉर मी देयर? एक्चुअली आई YouTube and all, you know, I've not really thought about it, to be honest. There's nothing to think. I know it's a new channel and all, but tere jaise artists is channel ko bada banayenge na. I know, but you know, these online platforms and all, I don't really have a lot of knowledge about it. I am there for it, but I still don't know, like, you know. See, I'm not doing it for myself. I'm doing it for the community. I'm doing it for people like you, artists, bro. Okay. Sure, let's do it. Great bro, great, great. And you know what? परसों एक शो अरेंज कर रहा हूँ मैं. यू आर परफॉर्मिंग देयर. इट्स अ ट्रिब्यूट टू मकरंद एक्चुअली. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. इट्स अ ग्रेट आइडिया, बिलीव मी. अरे वी वुड बी लकी टू हैव यू. चल. एंड खानाबदोशी इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू. ओके, मार्क माय वर्ड्स. You're up next? Yeah, I'm up next now. I'll see you then. Thank you so much. See you. Hey. Hi. How are you?
Good. How was your week? Nice. So you're performing anything? Oh no, I'm just here to observe and learn today. Of course. Is everything okay? Yeah. No, actually, I texted you a couple of times last week. You didn't reply, so I thought... No, yeah, I'm sorry. I was just caught up with a lot of things, so... Is it about the other night at my place when I said all those things? No. Everything's okay. Okay. I'll catch you later then. Sure. This guy's good, huh? Yeah. Joseph. Hey, bro. कैसा है bro? हम बस बढ़िया तू बता. बढ़िया यार. Bro, Khanabadoshi worked. Khanabadoshi? The poem. Oh yeah, man. Yeah. तुमने shoot किया था तुमने. Congrats, man. Happy for you. Thanks, man. So? So? कोई नया video shoot करते हैं ना bro? नहीं bro. वो अगले ही महीने रवि फराज के साथ shoot है यार. पता है ना साले popular poets? 6 महीने तक dates नहीं देते नहीं तो. उसके बाद भी कर सकते हैं। एक मिनट हाँ फराज माई 20 million बॉय आई टोल्ड यू ना दैट वीडियो इज गोइंग टू गो वायरल हम कुछ करते हैं ब्रो पक्का शो हाँ नहीं ब्रो एक्चुअली मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए हमसे हाँ बोलिए मुझे लिखना है पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे क्या मतलब होता है हैं कलम उठाइए और लिख दीजिए अरे नहीं आजकल तो वो सब मोबाइल फोन पे ही होता है ना तो कीबोर्ड उठाइए और दबाइए सॉरी वो अभी थोड़ा अलग साउंड किया आप मेरी हेल्प करोगे आपको पक्का हम ही से मदद चाहिए नहीं वो क्या है ना कि अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है हमारी आप वो शैंतन से क्यों नहीं पूछ लेते नहीं इंग्लिश इम्पोर्टेंट है ही नहीं ना अच्छा इट्स ओके मैं किसी और से पूछ लूँगी अरे नहीं ये देखिए हमारी बात सुनिए सीता की दुविधा का हल यदि राम के पास नहीं है तो केवल हनुमान के पास ही होगा एक वक्त था जब सूनेपन ने माँ को घेर लिया था सांस लेना भी उन्हें जहर लगने लगा था शायद इसीलिए उन्होंने किसी और को आपकी जगह नहीं दी क्योंकि उनकी हर सांस में आप थे ये क्या है डायरी क्यों देखिए जनाब जी आप थोड़ा आर्टिस्टिकली सोचिए आर्टिस्टिक यस ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेट देखिए उस डायरी को बार बार देखिए गौर से देखिए यस कम ऑन आ रहे पता नहीं ये एक वाइट स्क्रीन है वाइट स्क्रीन और आपका दिमाग है प्रोजेक्टर तो ऐसे स्वीं
कहीं इससे दिमाग की अनुभूतियों को ठपक करके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना है हमें, हैं? तो अगर बताइए आपके दिमाग में कचरा है इस पर क्या आएगा? कचरा? ये बात ऐसे हमारे पिताजी हमें कहते थे कि अध्यापक के गुण हैं, अगर हमें तो बचपन से पैर पे कुराड़ी मारने की आदत है, बताइए कवि बन गए तो भुगत रहे हैं, कट रही है जिंदगी, क्या करें? कॉन्सेंट्रेट करें। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वैसे हमारा अगला विषय यही है, कॉन्सेंट्रेशन। अगर जिंदगी में लिखना है, कुछ हासिल करना है, तो ध्यान का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए आंखें बंद कीजिए, आपके अंदर से आवाज आएगी। नहीं, One ice tea, please. आप कुछ लीजिए ना। नहीं, हम काम के समय खाते पीते नहीं। अच्छा, It's my treat. एक पीच आइस टी शहद और नींबू के साथ, हाँ जल्दी लाना। अरे आप आंखें बंद कीजिए, डोंट लाफ, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। यस कमिंग मैम। सेम थिंग टू रिपीट अगेन। या मैम, इट वोंट बी लॉन्ग। द अदर डे यू टोल्ड मी टू डिसाइड, मैंने डिसाइड कर लिया मैम। आई वांट द रियल थिंग, आई वांट दिस। जस्ट होल्ड ऑन, दैट्स ग्रेट। या थैंक यू। नहीं हो रहा है। नहीं, हम एक घंटे से बैठे हैं, राइटिंग के बारे में कुछ बताओ ना। ठंडा हो गया। देखिए जनाब जी, आज के लिए बहुत हो गया, बाकी कल करेंगे। एक कवि के लिए प्रेशर नहीं अच्छा। जनाब जी, आप पेशेंस रखिए, कवि के लिए पेशेंस बहुत मायने रखता है। और वैसे भी हम कल पेशेंस पे ही तो काम करने वाले हैं। पेशेंस, यस। आप एक काम कीजिए, तब तक अपना होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क? हाँ, अरे बहुत जरूरी है कवि के लिए होमवर्क। ओके, बोल। भिन्न भिन्न पशु एवं पक्षियों को लेकर के एक काल्पनिक कथा लिख कर लाइए। सीरियसली? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज शांतन रॉय फ्रॉम TCS टेक्नोलॉजीज। ब्रो तू तो अलग लीग में पहुंच गया यार, देख तो सही लाखों में व्यूज है यार। Thank you, sir. Have a good day. Yes, I'll complete it by tonight, sir. Yeah. Sure, sir. हेलो, अरे तुझे कितनी बार बोलूं? हाँ, अरे नहीं आना यार। देखो हम जानते हैं कि तुम ये सब चूतिया पाए ना क्यों कर रहे हो, ठीक है? साले बेवकूफ नहीं है हम, साले तुम आशिक मिजाज हो तो फिर डोंट गिव अ फक वाले रिलेशन में पढ़ने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? साले इतने साल की मेहनत पे पानी फेर दोगे तुम उस लड़की की वजह से?
अखंड चूतिया हो तुम भी, अखंड चूतिया हो। साले एक बार है ना, सुनो अपने आप को, शकल के साथ साथ आवाज भी झंडकती जा रही है। साले करो तुम वही करो जिंदगी भर, काम ही करो सिर्फ। तुम्हें ऐसे लग रहा है कि शांतन मेरी वजह से नहीं आ रहा? पता नहीं यार, मतलब शायद I was clear to you. No, I was crystal clear to your friend from the very beginning. देखिए आप तो थी क्लियर, मगर वो तो चूतिया है ना, वो पता नहीं वो खुद को क्या। देखिए आप जाने दीजिए, हम काम पे फोकस करते हैं। आइए बताइए क्या लिखाना है आपने। You know what? I think I'm done. नहीं हो रहा है ना मुझसे, like I tried to write and नहीं हो रहा है, so that's it, right? I'm not going to die if I don't write. So. लेकिन अब ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं है वैसे। मतलब अभी एक हफ्ते में पोइट्री कॉम्पिटिशन है और हमने ऑलरेडी आपका नाम डाल दिया उसमें। कॉम्पिटिशन? यस। आर यू क्रेजी? नहीं, इतने दिनों में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था आई कांट राइट? ये देखिए दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि हमें लगता है कि आप क्लास की वो बैक बेंचर स्टूडेंट है जो केवल परीक्षा के समय पढ़ती है। हाँ, और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जिंदगी में पहली बार हमने किसी पे अपना पैसा लगाया है, पूरे 350 रुपये आपकी एंट्रेंस फी। तो बाकी तो कुछ पता नहीं हमें, लेकिन अपना पैसा तो डूबते हुए नहीं देख सकते हम। Unbelievable. This whole damn thing is unbelievable. I'm out. Fucking damn. अरे ईद के चांद, आय हाय, आज अर्ली ब्रेक है। तेरा स्पीड तो क्या खतरनाक बढ़ गया भाई, है? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनेगा साले। सही है। अच्छा सुनना यार, वो रिया का बर्थडे आ रहा है, मैं तेरे को बताया था। अभी उसमें वो तूने फराज बंदे का तो बर्थडे विश मना कर दिया। कम से कम तू ही एक मैसेज कर देना, तेरा वीडियो भी तो थोड़ा बहुत पॉपुलर हुआ था, रिया को बड़ा चढ़ा के मैं बोल दूंगा, उसमें क्या है, क्या बोलता है? कहाँ जा रहा है? अच्छा ठीक है, मत दे साले, मेरा भी दिन आएगा। और ये सुनिए आखिरी की दो लाइनें हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गली में गुलमोहर के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। That was a wonderful performance. Words bring meaning to our lives. And when you choose to share that with the world, that can be really powerful. That's what our partner, Haiku Jam app does, so that you can write together and feel better. So let's call upon our next performer, Zainab Sheikh. Hi, everyone. Like she already mentioned, my name is Zainab Sheikh. Actually, I'm not here to compete. I just want to say something. I found that this is a great place to share, mostly because nobody can stop me or interrupt me, at least until my time slot is done. Yeah, so here we go. We were meant to be the first rain shower, a relief from the summer. But you wanted to be something more. You wanted to make me breakfast and
dance with me in the rain. And as I rolled back into my cocoon, I only wanted to say, no love, not today. That night, the way you looked into my eyes, it shook me up. And when you whispered in my ears, I want to be with you, everything came to a screeching halt for me. Did you forget? You and I were never supposed to be we. That we, us, is a baggage I'm not ready to carry. Love asked me why. And I asked love, do you ask the ocean why it's salty? Do you ask the color red why it's red? Then why do you ask me why I am me? But anyway, let it be, love. I'm done with you today. I know you have this gorgeous, romanticized idea of the ocean kissing the shore and fishes swimming in a fishbowl. But trust me, I'm not the shore. And I don't want to run circles in a fishbowl. If anything, and maybe I am the rain, forever moving. And you can't contain the rain in your fist. Especially not a raindrop like me that is acidic. If you hold on for too long, you'll gather rust. And you don't want to function with a broken down heart. So even though love promises me that it will fix me, I tell love, I don't want love to fix me. I bid love goodbye and tell him, no love, not today. Thank you. That was an absolutely amazing performance. I'd now like to call upon our next performer, Shayanthan Roy. करण भाई मेरे दोस्त थे, मेरे करीबी दोस्त थे। उस रात मैं वहीं था उनके पास, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि उनसे कोसों दूर था। मैं इसे छिपा रहा था, इसे कहीं बंद रखना चाहता था मैं, क्योंकि इसमें सच लिखा है, वो सच जो मेरे सामने था, मगर मैं उसे समझ नहीं पाया, और जब समझा तो बहुत देर हो चुकी थी। असल में एक डर भी था कि इसे सुनने के बाद वो हमेशा खुश रहने वाले मकरंद भाई को आप अलग नज़रिए से देखेंगे। अगर फिर मैंने सोचा कि अगर आपको उन्हें वाकई समझना है तो आपको इसे भी समझना होगा। बहुत हुआ, अब जाना है। दुनिया से लड़ने वाले ये आखिरी खत पढ़ने वाले एक राज लिख कर बताना है, अब लौट के किसको आना है। कि जब कोई समझे नहीं, अंतर में अनहड़ बजे नहीं, कोई दहलीज तुम्हारे लिए सजे नहीं, कोई तुमसे झगड़े उलझे नहीं, तब तुम ही ये समझ लेना, न कह सको तो कहीं लिख देना, कि सपने जब सारे टूटे हैं, लगता है ग्रंथ सब झूठे हैं, हर शख्स में दिखते ऐब तुम्हें, सब रिश्ते लगेंगे फरेब तुम्हें,
फिर दुनिया से ये कह जाना कि इतिहास एक दिन रच जाना, हर मुश्किल वक्त से बच जाना, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, छलावे हैं, बहाने हैं। अब बहुत हुआ, अब जाना है, अब लौट के किसको आना। मतलब स्टार नहीं बने मगर गुरूर रह गया तुम्हारा है। आजकल साले अकेले के लिए आते जाते रहते हो बिना बताए, क्या बात है? तेरी जीत देखने आया था मैं तो। चल साले नौटंकी, कुछ भी। कितना दिया? 500 दिया बे साले, चिंदी है बे चिंदी है। ऐसे ये जाने दो, हमें बताओ कि ये परिवर्तन के पीछे राज क्या है? देखिए राज वास कुछ नहीं है, दो ऑप्शंस थे, या तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर एक स्ट्रगलिंग पोएट का ऑटोग्राफ। डिसीजन लेने में टाइम हुए। सही है बेटा, मतलब नौकरी छोड़ दिए? पागल है क्या? बस इतना समझ गया कि उसके लिए ना ये सब तो नहीं छोड़ रहा। सही है लौंडे, सही है। जैनब। हाय। 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 वाज अ ग्रेट पीस। थैंक्स। I must say, you're an honest writer, and that's a wonderful thing about you. Friends? I thought we already were. I think now we are. Okay. वैसे हम भी तहे दिल से माफी चाहते हैं आपसे, न जाने क्या-क्या इल्जाम लगा दिया आप पे। वैसे भाई साहब से पता चला कि इनकी उदासी का कारण तो कुछ और ही था, बताइए। Really? क्या हुआ? नौकरी से नौकर तक का सफर तय नहीं कर पा रहे थे। What? Avoid him. Avoid him. चुकना। वैसे आई होप कि आपके 300 रुपए वेस्ट नहीं गए। अरे बिल्कुल नहीं, फाड़ दिया स्टेज आपने। और वैसे 350 थे, मगर अगर आप उसे लौटाने का सोच रही है तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, वो आप ऑन द हाउस समझ लीजिए। ऑन द हाउस? आई एम सो टच्ड। Anyway guys, I had a little work outside, so I'll see you later. Sure. Sure. Yeah? Bye. Bye. Beta, zara 500 ka note nikalo. Kyun bhai? Party karenge? Haan, lekin vodka piyenge hum. Whiskey. Vodka. Whiskey. Vodka. Whiskey. Vodka. Hello. Hi. Shrikant Pawar. प्यार से लोग एसपी बुलाते हैं मुझे। यू आर शयंतन रॉय हो ना? राइट ना? मैंने आपकी कविता देखी है खानापतोशी। आई एम अ बिग फैन मैन, आई एम अ बिग फैन। एक्चुअली आई वांटेड टू ऑफर यू लाइनअप शो। लाइनअप शो? यस। आई नो यू गाइज आर टू बिजी विथ योर शेड्यूल एंड ऑल, बट इट्स अ बिग थिंग। You should think about it. It's my card. Huh? So we'll catch up soon, right? See ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ria. Okay, sorry. Hello everyone. If you enjoyed watching this episode, please don't forget to like, comment, share and subscribe. और हाँ, अगर आपकी भी रोज ऑफिस में बजाई जाती है तो वो बेल आइकन बजा देना, सॉलिडारिटी, समझे? और रिया, ये बड़ी बिट्स रिसाइड के वीडियो जरूर देखना यार, कसम ट्रिप आएगी, बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।